हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो फर्स्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट विल बी आवर डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है, अ रेक्टेंगुलर बीम इज़ टू बी सिंपली सपोर्टेड ऑन सपोर्ट्स ऑफ 230 mm विड्थ। जो हमारी जो सपोर्ट्स हैं, ये जो सपोर्ट्स हैं, इस पर जो बीम स्टे करेगा उनकी विड्थ क्या दे दी है, दैट इज़ BS। इसको हम BS से डिनोट करते हैं। और BS क्या दिया हुआ है जी, BS इज इक्वल टू 230 mm। ठीक है, अभी सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। और अब हमें क्या दिया हुआ है, क्लियर स्पैन, दैट मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस, ये कितना दिया है, 6 मीटर। तो क्लियर स्पैन को L से लिखते हैं, 6 मीटर इक्वल्स टू, अगर mm में कन्वर्ट करें इसको, 6000 mm। इसी के साथ हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ बीम। तो हमें विड्थ ऑफ बीम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेंशन है, द क्लियर स्पैन ऑफ द बीम इज 6 मीटर, द बीम इज टू हैव विड्थ ऑफ 300 mm, द कैरेक्टरिस्टिक सुपर इम्पोज लोड इज 12 kN/m यूजिंग M20 कंक्रीट एंड Fe 450 स्टील, डिजाइन द बीम। तो चेक कर लेते हैं, जो जो गिवन है वो सब कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले विड्थ, दैट इज बी भी गिवन है 300 mm, और सुपर इम्पोज लोड इसको पी से अगर हम डिनोट करें वो दिया हुआ है 2 kN/m। M20 कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है हमें M20, दैट मीन्स FCK इज इक्वल टू 20 Nm². सिमिलरली हमें स्टील की ग्रेड क्या दी हुई है, 415, तो दैट मीन्स FY इज इक्वल टू 415 Nm². ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम करते हैं डिज़ाइन स्टार्ट। तो डिज़ाइन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ाइन स्टेप्स में, सबसे पहले हम करते हैं डिज़ाइन फॉर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में हमें बी गिवन है, डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी कैलकुलेट करने का फार्मूला था 1/12 टू 1/15 ऑफ एल। तो एल हमारा कितना है, 6000 mm, तो 6000 डिवाइड बाई 15, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 400 mm, जो हमारा डी आएगा। तो लेट डी इज 400 mm, और हम यहाँ पे एक इफेक्टिव द डी डैश, तो मैं आपको ये बना के समझा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि सपोज़ ये बी हमें दिया हुआ है 300 mm, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये अगर यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट है तो उसके सेंटर तक का डिस्टेंस 400 mm अज्यूम कर लेते हैं, और ये डी डैश अज्यूम करते हैं 50 mm, दैट मीन्स इफेक्टिव कवर हमने कितना दिया है, 50 mm तक का। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया है, बी आ गया है और डी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ। अब हमारे पास जो लेंथ है वो क्लियर स्पैन गिवन है, हमें ये नहीं पता कि इफेक्टिव स्पैन क्या है। तो इफेक्टिव स्पैन का फार्मूला क्या है, LE, और LE इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, LE इक्वल्स टू L प्लस डी और L प्लस बी, ये बी एस होगा, विड्थ ऑफ सपोर्ट्स। तो 6000 प्लस 400 और 6000 प्लस 230। ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन से जो हमने किया है अभी, उनसे हमारा एल ई क्या आता है, एल ई की दो वैल्यूज आ गई, 6400 mm एंड 6230 mm। तो दोनों में से मिनिमम क्या है, ये वाला मिनिमम है, तो हमारा एल ई हम जो अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, दैट विल बी आर 6230 mm। ठीक है जी, अब डायमेंशंस हमारी क्लियर हो गई है, सारी डायमेंशंस कैलकुलेट हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम अपना सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे अब इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेल्फ वेट ऑफ बी। अच्छा, इसमें मैं आपको सब बता देता हूँ कि जो हम कंसीडर करके चलते हैं, सेल्फ वेट जो हमारा होता है, दैट विल बी द 4 यूनिट लेंथ, मतलब हम kN/m लेंगे, एक मीटर के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं। वो सेल्फ वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है,
आपने क्या करना है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था 300 mm, और ये था हमारा 450 mm, ठीक है जी। तो इसमें याद रखना कि हमने टोटल ओवरऑल डेप्थ लेनी है, स्मॉल डी नहीं लेना है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेनी, ओवरऑल डेप्थ लेनी है, ठीक है। तो सेल्फ वेट क्या होगा, 0.450, ये सारे मैं डायमेंशन मीटर में कर रहा हूँ ताकि मेरा किलोमीटर किलो न्यूटन पर मीटर में लोड आए। और विड्थ कितनी है हमारी, 300 × 1, 1 मीटर के लिए ले रहे हैं, × 25। ये 25 क्या है, ये 25 है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से सेल्फ वेट अगर हमारा कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ वेट आ जाता है 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही हमारे पास सुपर इम्पोज लोड पी कितने दिया हुआ था, न्यूमेरिकल में हमें गिवन था, अगर मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल में गिवन था सुपर इम्पोज लोड 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और 12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम टोटल लोड बात की बात करें, टोटल लोड क्या होगा हमारा, टोटल लोड होगा हमारा इम्पोज लोड प्लस दिस सेल्फ वेट, तो 12 + 3.375, ये हो जाएगा 15.375 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये लोड हमने आ गया टोटल लोड, लेकिन डिज़ाइन में हम एक डिज़ाइन लोड लेके चलते हैं, जो हमारा टोटल लोड है उसको हम ऐसे सच अपने न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड कैसे निकालेंगे हम, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम RCC के लिए एज़ पर IS 456 लेके चलते हैं, लिमिट स्टेट डिज़ाइन के लिए 1.5 लेके चलते हैं, 1.5 × दिस टोटल लोड। तो हमारा अल्टीमेट लोड और डिज़ाइन लोड क्या आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 23.06 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम मोमेंट एंड शीयर। तो मोमेंट क्या होगी हमारी, इसको हम MU से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, दैट विल बी WL² / 8 फॉर सिंपली सपोर्ट सेक्शन के लिए, ये होता है हमारा WL² / 8। अब यहाँ पे W में क्या आएगा, ये टोटल लोड, और L में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ। तो ये हो जाएगा 23.06 × 6.23, यहाँ पे क्योंकि ये मीटर में है तो मैं मीटर में ही ले रहा हूँ, स्केयर डिवाइड बाय 8। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आएगी 111.88 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सिमिलरली हम शीयर फोर्स निकालेंगे, VU, शीयर फोर्स, और वो हो जाएगा हमारा WL/2। अगर L को मैं L ही लिखूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, W क्या है हमारा, दिस अल्टीमेट लोड, L क्या है, इफेक्टिव लेंथ, और ये है हमारा 23.06 × LE, 6.23 / 2, तो ये वैल्यू आई हमारी 71.83 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें चेक करना होता है हमारा MU लिमिटिंग का फार्मूला फॉर Fe 415 स्टील के लिए है 0.138 FCKPD² 0.138 FCK कितना है हमारा 20, B कितना है 300, और D कितना था 450, D हमारा था 400 स्क्वेयर। तो ये टोटल कैलकुलेट करके MU लिमिटिंग आ जाएगा 132.45 किलो न्यूटन मीटर। मैं अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो ये MU लिमिटिंग है और MU क्या है। MU लिमिटिंग जो है कि हमारा बीम जो भी हमारे डायमेंशन दिए वो कितना मोमेंट को बियर कर सकता है, और MU क्या है कि अल्टीमेट लोड की वजह से उस पर कितनी मोमेंट आ रही है। तो ये जो एक्सटर्नल लोड्स की वजह से क्या मोमेंट आ रही है, और ये है उसकी कैपेबिलिटी कि वो कितनी बियर कर सकता है, ठीक है। अभी ये मैं ये पार्ट 1 तक ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा। तो
प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि इसमें कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.